तो टाइम मैनेजमेंट को जो ज्यादा स्ट्रेस देता है उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। क्रिएटिविटी एक अपनी जगह है, लेकिन समय की सीमा हर जगह रहनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं कर पाए। और समय की सीमा नहीं रखेंगे तो आप लास्ट मिनट में जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, परेशान हैं, वो स्थिति आपकी होगी। सपोज दो व्यक्ति, एक के पास बहुत ज्यादा काम है, एक के पास कम काम है। जिसके पास ज्यादा काम है वो अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं सकते, लेकिन जिसके पास कम काम है वो टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेते हैं। इन दोनों में से आप किसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे? जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानता या जो नहीं कर सकता, उसके पास ज्यादा काम हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि यदि हिंदुस्तान का 10% व्यक्ति भी, प्रोडक्टिव आदमी 10% लोग भी यदि टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएं, तो इस देश की जीडीपी ग्रोथ जो आज 5-6% पे है वो डबल डिजिट पे चली जाए। कोई शक नहीं है मुझे इस बात, अपने तजुर्बे से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, ये मुझे 2 दिनों में अंदाजा मिला। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू दिस शो कॉल्ड डीएससी शो। और मेरे जो दर्शक आप लोग घर में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं IIT गाज़ियाबाद के इस अच्छे ऑडिटोरियम में से बोल रहा हूँ। और आज का विषय मुझे जो आज यहाँ के सब स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने दिया है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने का जब मुझे कहा गया तो मैंने जब कुछ बातें इसमें पढ़ने की कोशिश की, कुछ उस पर रिसर्च की, या यूं कहिए कुछ किताबें वगैरह देखी, तो मुझे कुछ समझ में आया और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी पता लगी जो मुझे खुद पहले पता नहीं थी। इसलिए मैं, जब मेरे से कई बार पूछा जाता है कि आप ये शो क्यों कर रहे हैं, तो एक तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अपने एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूं और उसका यदि लाभ आपको कुछ मिल सके आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, जो मैंने समाज से पाया है उसको देने का मुझे एक किस्म से मौका मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मुझे भी सीखने का काफ़ी कुछ मौका मिल रहा है इस शो करने पर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ा, देखा, तो ये समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। और लाइफ मैनेजमेंट क्या है, टाइम क्या है, यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि टाइम मैनेजमेंट या समय, जिसको हम कहते हैं कि समय का ख्याल रखें, समय को मैनेज करें, समय के मायने क्या, आप लोगों को क्या समझ में आता है? कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? टाइम इज नॉट जस्ट मनी, टाइम इज अपॉर्चुनिटी। टाइम इज मनी, टाइम इज अपॉर्चुनिटी। एनी अदर पर्सन, एनीबडी थिंक्स यू वांट टू से? फॉर मी टाइम इज अभी, प्रेजेंट, जो कुछ है वो अभी है। प्रेजेंट इज द समय, प्रेजेंट इज समय। तो आप देखा आपने बहुत सी बातें निकल के आती हैं कि टाइम क्या है। मुझे जो समझ में आया, बल्कि टाइम से पहले मैं यदि एक और लाइफ की बात करूं, जिंदगी क्या है, मैंने को ये समझ में आया कि जिंदगी और टाइम दोनों आपस में इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। और लाइफ क्या है? लाइफ, जब हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट हूं
और पूरा जो ब्रह्मांड विश्व पूरा जो है बाकी मेरे अलावा वो एक ऑब्जेक्ट है। जब एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ मिलना होता है तो कोई एक एक्सपीरियंस पैदा होता है, उसका एक एक्सपीरियंस हम लेते हैं। आप घर से यहाँ तक आए, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक वाले ने किसी तरह से मैनेज कर रहा था, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, किया कि नहीं? यहाँ पे आप पहुँचे, आपके दोस्त मिले, आपने उनसे चार बातें की, अरे सुबह क्या किया, कल शाम को कहाँ डिनर किया, कल किसके साथ थे तुम, इस तरह की बातें करते हो, एक एक्सपीरियंस हुआ। तो जितने एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मिलने पर, ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस द लाइफ। अब समय के बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कहते हैं, समय मनी है, समय सब कुछ है, सबको पता है कि बीता समय वापस नहीं आता, वेल्थ वापस आ सकती है, हेल्थ वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं आ सकता, बहुत एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि समय इस नेचर का, इस सृष्टि का, या उसको अगर भगवान कहते हैं तो भगवान का एक दूत है जो कि आपके पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का लेखा जोखा हर मिनट हर समय रखता है। आप में से बहुत से 20 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं पीछे, याद आता है आपको, अरे जब मैं इस उम्र का था तो ये किया, मैंने वो किया, तो हर बात का जैसे आपको मेमोरीज़ याद रहती हैं, उसी तरह से समय भी आपके हर पल का, हर चीज़ का इतिहास इम्तिहान रखता है, उसका लेखा जोखा रखता। यदि आपके पास पेन पेंसिल किसी के पास है तो हेल्प कीजिए मुझे, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे और आप खुद भी अपना अपना सोच के याद करके लिखिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी 64 वर्ष का हूँ और मैं अपने मन में समझता हूँ कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँगा, तो कितने वर्ष बाकी रहे? तो 35 वर्ष मेरे अभी बाकी हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने मन में सोचिए कि आपका कितने वर्ष बाकी है, अपने मन में सोचिए, कागज पे भी लिखिए, खुद खुद का लिखिए। अब मैं समझता हूँ कि 35 वर्ष में कितने घंटे हुए, 35 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 इतने घंटे हुए, उन घंटों को मिनटों में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 मिनट, आपके पास आ गया जवाब, बताइए कितने मिनट हुए? इट इज 183,96,000 मिनट्स। बहुत समय है यार, अभी तो कुछ इतना जल्दी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1,83,00,000 96,000 मिनट मेरे पास अभी बाकी हैं, बहुत समय बाकी है, कोई जल्दी नहीं है, फिर मैं क्यों आप लोगों को इतना भगा रहा हूँ? अब इसमें से एक और एक्सरसाइज करते हैं हम, इसमें से साढ़े सात आठ घंटे रोज मैं सोता हूँ और सुबह जब उठता हूँ तो स्नान में और में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है मुझे, एक्सरसाइज की, थोड़ा योगा किया, कुछ किया, 2 घंटा वो निकल गए, 10 घंटे निकले, दोनों सुबह शाम के भोजन में और करने में 1.5 घंटा दे देंगे तो कितना बचा, कितना हुआ, 11.5 घंटे, और कुछ और समय मुझे थोड़ा चाहिए तो आधा घंटा बीवी बच्चे से बात करने के लिए, जो प्रोडक्टिव समय नहीं है। तो दिन में कम से कम 13 घंटे मेरे
इन चीजों में निकल जाते हैं। काम करने के लिए कितना बचा? 11 आवर्स। 11 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करिए 35 वर्ष से, उसके मिनट देखिए, ऑल ऑफ ए सडन आपको लगेगा कि मेरे पास तो 1,83,00,000 नहीं, केवल 90 कुछ लाख बचेंगे कुछ शायद मिनट, और उस 90 लाख मिनट में अगर मैं उनको घंटों में कन्वर्ट करूं, तो 90 लाख × 24 लगभग, मैं बता रहा हूं, आप तो कैलकुलेटर यूज कर रही हैं, तो अचानक समझ में आएगा कि प्रोडक्टिव समय तो मेरे पास बहुत लिमिटेड है। यही हम सब के साथ होता है, इंसानों के साथ पैदा हुए। और मेरे पास, मैं एक किताब जिसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थोड़ी देर में आपसे चर्चा करूंगा, उसमें उन्होंने, जो राइटर है, उन्होंने आप स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ लिखा है, चिट्ठी लिखी, वो भी पढ़ के बताऊंगा। तो अचानक हमें पता लगता है, और सबके साथ क्या होता है कि जब हम पैदा हुए, बचपन गुजरा, जवानी आई वो भी गुजर गई, जब लगभग आदमी 40-50 साल का जब होता है और उसको जब पता लगता है कि अरे 50 साल गुजर गए लाइफ के, फिर एकदम से एक दिन झकझोर के उठता है कि अरे मैंने क्या किया। और ख़ासकर एक शायद बुरी बात लगेगी लेकिन सच्चाई है, ख़ासकर जब वो कभी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के अंतिम संस्कार में जब जाता है और शमशान भूमि में जब होता है, उस समय ये बातें बड़ी ध्यान आती, उस समय ध्यान आती है, अरे मैं 50 वर्ष का हो गया, एक दिन मुझे भी यहाँ आना है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, आगे कैसे करूँगा, बहुत तरह के सवाल आते हैं। लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल, वहाँ से शमशान से जैसे निकला भूल गया सब बातें, वही फिर वही खेल और वही मैदान, जैसे एक भाषा में कहते हैं, क्यों ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या करना चाहेंगे अपने साथ, ये प्रश्न है, आज का विषय ये है।